स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम मेटल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। जनरली सभी मेटल ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं जब उनको एयर में हीट किया जाता है और मेटल ऑक्साइड्स ये फॉर्म होता है, तैयार हो जाता है, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये अगर देखेंगे एक इक्वेशन के जरिए देखेंगे तो मेटल, कोई भी मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है जब हमको उसको, और क्या प्रोडक्ट तैयार होता है, मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है उस मेटल का, जो मेटल को हम ऑक्सीजन में एयर में हीट करेंगे उसका मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है। और वही मेटल ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो पानी के साथ रिएक्ट होके मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। उस स्पेसिफिक मेटल जो हम मेटल ले रहे हैं उसका अगर ऑक्साइड लेंगे और पानी के साथ वो कंबाइन होके रिएक्ट होके मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अगर मेटल में हम देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है रूम टेम्परेचर में भी, रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसको आग लगाने की हीट करने की जरूरत नहीं है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सोडियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। उसका केमिकल इक्वेशन देखेंगे, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरे मेटल्स के लिए हीटिंग करना जरूरी होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के लिए ये जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्साइड तैयार कर लेता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। अगर हम सोडियम को एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये आसानी से आग पकड़ लेता है, देयरफॉर इसीलिए इसको ये एक्सीडेंट रोकने के लिए इसको लेबोरेटरी में या किधर भी जहां सोडियम मौजूद है उसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो एयर में रखेंगे, खुले में रखेंगे तो आसानी से आग पकड़ लेता है, तो आग नहीं पकड़ना चाहिए इसलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है, किसको, सोडियम को। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। थोड़े जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या है, मेटल के, ये पानी में घुल मिल जाते हैं, सॉल्युबल का मतलब क्या, घुल मिल जाते हैं, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कली, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली तैयार कर लेते हैं। एल्कली किसको कहते हैं, देखो जो ऑक्साइड्स है थोड़े मेटल्स के वो पानी के साथ घुल मिल जाते हैं और उसका एल्कली तैयार होता है। एल्कली किसको कहते हैं, एल्कली एक बेसिक बेस है, ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करके है, पहले हमने सीखा है एसिड किसको कहते हैं, बेस, सॉल्ट, तो जो बेस है ये एल्कली एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है जो पानी के साथ घुल मिल जाता है और रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करता है। बेस हमेशा क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड हमेशा क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, हमने पहले पढ़ा है। तो ऑक्साइड्स क्या करते हैं, पानी में घुल मिल जाते हैं और एल्कली उसका तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और ये एक्वियस सॉल्यूशन होता है, एक्वियस का मतलब क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, एल्कली तैयार हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें कैसे मिलता है, मैग्नीशियम लेके अगर हम उसको ओपन एयर में, खुले में अगर जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इसको अगर हम ऊपर में जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, वो भी सॉलिड में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन एल्कली कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लेकर पानी के साथ, वाटर के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो वाटर के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, और ये जो मिल जाता है हमें एक्वियस सॉल्यूशन में मिल जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन में हमें मिल जाता है। तो मैग्नीशियम को अगर हम ओपन एयर में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला है उसको हम अगर वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो पानी के साथ कंबाइन करके वो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है एक्वियस सॉल्यूशन का। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। तो मेटल ये पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ओके,
तो हमने पहला देखा था कि मेटल ऑक्साइड विथ वाटर देखा था, लेकिन ये क्या है, मेटल विथ वाटर है। तो मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। तो मेटल ऑक्साइड भी मिलता है और हाइड्रोजन भी हमें मिलता है पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद में। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो जो मेटल्स पानी में सॉल्युबल है तो ये फर्दर डिजॉल्व होते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड जो हमें मिला है ये फर्दर क्या होता है, पानी में डिजॉल्व होता है और ये मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड वो एल्कली तैयार हो जाता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सही भी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखो क्या है, मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। फिर फर्दर ये जो मेटल ऑक्साइड जो तैयार हुआ है पानी के साथ वापस से रिएक्ट करता है और ये मेटल ऑक्साइड क्या हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल लेंगे, ये सिर्फ मेटल है, नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल है। मेटल पानी के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है, मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है। और जो जो मेटल्स पानी में सॉल्युबल है वो फर्दर क्या होते हैं, पानी के साथ वापस से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाता है, इसमें तैयार हो जाता है। ओके, देखेंगे आगे। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली एंड विगरसली विथ फोर्स विथ वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम और पोटेशियम हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ भी क्या करते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव है। पानी के साथ भी ये बहुत फास्ट रैपिडली रिएक्ट करते हैं और विगरेसली विथ फोर्स से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो जाता है। और इतनी फोर्स से गैस रिलीज हो जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस को आग भी लग जाती है, आग भी लग जाती है। तो ये सोडियम है, सोडियम मेटल है, तो ये पानी के साथ कंबाइन होकर इनके दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है और ये हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है और हीट भी रिलीज होता है। ओके, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों हुआ, सोडियम ऑक्साइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम ये पानी में सॉल्युबल है, तो पानी में सॉल्युबल होने की वजह से पानी उधर मौजूद है तो जो सोडियम ऑक्साइड जो तैयार हुआ है वो वापस पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है और H2 तो ये रिलीज होता ही है और इतना विगोरसली ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कि ये हाइड्रोजन को आग लग जाती है तो हीट भी रिलीज होता है। और ये पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाता है, इसको भी आग लगती है, इसके लिए हीट रिलीज होता है। तो सोडियम पहले सोडियम ऑक्साइड तैयार होता है, सोडियम ऑक्साइड तैयार होने के बाद में पानी तो उधर अवेलेबल है, इधर पानी अवेलेबल है तो पानी के साथ ये जो सोडियम ऑक्साइड वापस से क्या करता है, रिएक्ट करता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। ओके, जो जो मेटल्स पानी के साथ सॉल्युबल है वो क्या होते हैं, उनके पहले ऑक्साइड तैयार होता है, ऑक्साइड के बाद में हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। लेकिन जो मेटल सॉल्युबल नहीं है तो सिर्फ उसका ऑक्साइड तैयार होता है, हाइड्रोक्साइड में तैयार नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली। तो कैल्शियम पानी के साथ बहुत धीरे और ज्यादा फोर्सफुली रिएक्ट नहीं करता। द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो ये फास्ट विगोरसली रिलीज नहीं होती, तो इसको आग वगैरह नहीं लगती और ये जो क्या होता है हाइड्रोजन गैस बबल्स की शक्ल में, बबल्स की शक्ल में क्या होता है, फ्लोट होता है, मेटल के ऊपर फ्लोट होता है। और ये जो कॉपर, ये जो कैल्शियम है, ये भी क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये देखो कैल्शियम है, कैल्शियम और हमने पानी लिया, कैल्शियम अगर और पानी अगर हम लेंगे तो कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कैसे रिएक्ट करता है, स्लोली और लेस विगरसली रिएक्ट करता है। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, पानी होने की वजह से वो पानी में सॉल्युबल है, इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन उसको आग नहीं पकड़ती, इसके लिए हीट नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है स्लो होता है, इसके लिए इसमें आग नहीं पकड़ती, इसके लिए हीट रिलीज नहीं होगी। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम, याद रखो इसको, अंडरलाइन करके लो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और ये जो
मेटल है ये भी क्या करता है, कैल्शियम की तरह फ्लोट होता है, क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट होता है। द मेटल्स एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। अभी इसको भी अंडरलाइन करके लो, जो मेटल है एल्यूमिनियम है, आयन है और जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है या फिर हॉट वाटर के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करता है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है अपना ऑक्साइड बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है, H2O, लेकिन गैस फॉर्म है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन और जिंक एक हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम और स्टीम जो H2O है इसके साथ रिएक्ट होने के बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे आयन है और ये H2O, ये क्या है, स्टीम के फॉर्म में है, तो ये आयन H2O गैस स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करता है और क्या होता है, आयन ऑक्साइड तैयार होता है, आयन हाइड्रोक्साइड तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता, क्योंकि आयन भी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और वैसे ही अगर जिंक भी देखेंगे, जिंक भी क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कौन से फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिएक्ट करता है, क्योंकि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और क्या तैयार होता है, जिंक ऑक्साइड तैयार होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड तैयार नहीं होता, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये रिएक्शन इतना रैपिड और विगोरसली नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होती या फिर हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ता। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देखेंगे मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस मेटल का सॉल्ट हमें मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, उस मेटल का सॉल्ट भी मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन है, वर्ड्स में देखेंगे। तो अगर हम मेटल लेंगे और डाइल्यूट एसिड लेंगे, तो ये दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं, तो उस मेटल का हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलता है। लेकिन कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसको अंडरलाइन करके लो, कॉपर है, सिल्वर है और मर्क्यूरी है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसको अंडरलाइन करके लो। When samples of aluminium, magnesium, iron or zinc are treated with dilute sulfuric or hydrochloric acid, sulfate or chloride salts of metals are formed. Hydrogen gas is liberated in this reaction. तो हमने ऊपर देखा है, अगर हम aluminium, magnesium, iron और zinc लेते हैं और dilute sulfuric acid या hydrochloric acid लेते हैं, तो sulfate salt या फिर chloride salt मिलता है, तो हमें एक तो salt मिलता है वो metal का, और hydrogen gas क्या होता है, इसमें release हो जाती है, hydrogen gas भी हमें मिलता है। अगर हम देखेंगे ये क्या है, मैग्नीशियम है और ये क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब डाइल्यूटेड है, तो इनका दोनों का रिएक्शन हो गया, हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। अगर हम एल्यूमिनियम देखेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड देखेंगे, तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है, ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयन है, आयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम अगर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आयन क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। जिंक में भी यही है। तो मेटल्स क्या करते हैं, डाइल्यूट, अगर हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं, तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। लेकिन हमने देखा कि कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और आयन में देखेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहले नंबर पर कौन आता है, मैग्नीशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड नंबर पर है एल्यूमिनियम, थर्ड नंबर पर है जिंक, सबसे लास्ट नंबर पर है आयन। तो ये क्या, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या, ये हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव होंगे तो उसका रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगा, और जो बबल्स क्रिएट होंगे ये क्या होंगे, बहुत फास्ट क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा। और द रिएक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक। और जो ये रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, कि ये लाइट या हीट को रिलीज करता है, लाइट और हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। तो मैग्नीशियम ये ज्यादा लाइट और हीट को रिलीज करता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है।
अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। तो मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हमने क्या देखा था कि मेटल को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन अगर मेटल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ लेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। इसको अंडरलाइन करके लो, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। तो देखेंगे अगर हम मेटल लेंगे और नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो हम अगर कोई मेटल लेंगे और नाइट्रिक एसिड के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो इनके दोनों के रिएक्शन में नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और पानी हमें मिलता है। नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अलग अलग ऑक्साइड N2O, NO, NO2 ऐसे टाइप्स के हमको अलग अलग ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के मिलते हैं, आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये जो अलग अलग ऑक्साइड्स है एक इस पे डिपेंड होता है, जो नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से हमें अलग अलग ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के मिलते हैं। एग्जाम्पल कॉपर है और एक है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये कॉपर है सॉलिड फॉर्म में और एक्वियस सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये नाइट्रेट सॉल्ट है, कॉपर का नाइट्रेट सॉल्ट है, कॉपर का नाइट्रेट सॉल्ट है एक्वियस सॉल्यूशन, और ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये वाटर है। अगर हम ये नाइट्रोजन ऑक्साइड देखेंगे तो ये NO2 है, इसका मतलब O2 ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। वही हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कॉपर है और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड ही है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और ये क्या है, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है। और इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे हमको जो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है, ये जो ऑक्सीजन है NO कितना है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है, इधर 2 एटम है क्योंकि नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर नाइट्रिक एसिड क्या है, डाइल्यूटेड है, इसके लिए ऑक्सीजन कितने आइटम है, एक ही आइटम है। तो जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और वाटर, वाटर हमें मिलता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, तो मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे हम। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो जो रिएक्टिव मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से निकालता है, अपनी जगह से निकालता है। तो समझो अगर हमने मेटल ए लिया और दूसरा हमने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लिया, पहले मेटल ए लिया और दूसरा सॉल्यूशन क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लिया। तो अगर ये मेटल ए हाईली रिएक्टिव है, अगर मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, मेटल बी को निकालेगा और खुद उसकी जगह लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए होगा और मेटल बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अगर हमें जानना है कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है तो यह हमें किससे पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जो मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज सिंपल एंड इजी, इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। अगर मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस करता है तो मेटल ए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है मेटल बी से। फॉर एग्जाम्पल एक देखेंगे, ये आयन है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, आयन है। तो इनके दोनों का जब रिएक्शन होता है तो आयन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करता है और ये क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयन तैयार हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, आयन ने, इसका मतलब ये क्या है, आयन हाईली रिएक्टिव है, कंपेयर टू कॉपर आयन इज हाईली रिएक्टिव। तो शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होके क्या तैयार हो जाता है, मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है, मेटल और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड तैयार होता है। मेटल ऑक्साइड और अगर पानी, अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी के साथ सॉल्यूबल है, पानी के साथ अगर वो मिक्स होता है सॉल्यूबल है, तो मेटल ऑक्साइड और पानी इनके दोनों में रिएक्ट होके कंबाइन होके क्या तैयार हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो मेटल अभी ये क्या है, मेटल ऑक्साइड नहीं है, ये देखो ये है मेटल ऑक्साइड, ये है मेटल, ओके। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल पानी के साथ रिएक्ट होके क्या होता है, एक तो मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किसी भी हालत में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो मेटल पानी के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड तैयार हो जाता है।
और अगर वो पानी में ज्यादा मिक्स हो जाते हैं सोल्यूबल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर जाता है, कंबाइन करता है तो रिएक्ट होता है, तो हमें क्या तैयार क्या मिलता है, उस मेटल का सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उस मेटल का हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन कॉपर सिल्वर और मर्क्यूरी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, हमने देखा था। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, तो मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नाइट्रिक एसिड अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों में रिएक्शन होता है, तो हमें नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसा होता है, इसका वेरिएशन है अलग अलग, ये कैसे डिपेंड करता है, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिसाइड होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है इसका प्रमाण कितना है, परसेंटेज पे डिसाइड करता है। तो मेटल और नाइट्रिक एसिड ये दोनों कंबाइन होकर नाइट्रेट सॉल्ट मिलता है, हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और वाटर भी मिलता है, H2O भी हमें मिलता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, तो एक मेटल है और दूसरे मेटल का सॉल्ट है, इनके दोनों में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है। तो समझो मेटल ये हाईली रिएक्टिव है और मेटल बी ये नॉट रिएक्टिव है, तो मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी अगर हम लेंगे, इनके दोनों में क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए हो जाता है और ये मेटल बी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है।